स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम चैप्टर टेन रीड कर रहे थे एडवर्ब अब हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब एडवर्ब के जो काइंड्स है उसको रीड करेंगे ऑन द बेसिस विच क्वेश्चन एंड एडवर्ब आंसर एडवर्ब्स हैव बीन क्लासीफाइड अंडर जो एडवर्ब uh, के जो काइंड्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछता है हाउ कैसे इन वॉट मैनर द टाइगर रन फास्ट टाइगर कैसे दौड़ता है हाउ कैसे दौड़ता है फास्ट द टोरटाइज वॉक्स टोलटाइज कैसे वॉक करता है स्लोली आई ड्राइव स्कूटर केयरफुली मैं कैसे ड्राइव करता हूँ स्कूटर केयरफुली हमारा यहाँ क्वेश्चन होता है कैसे उसका जो आंसर निकलता है तो वो आंसर जो हमारा होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ प्लेस डिज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन ये जो एडवर्ब है इस क्वेश्चन का आंसर होता है वेयर एक्शन इज डन और टेक्स प्लेस की जो भी घटना हुई है वो कहां पर हुई है आई एम बिजी प्लीज वेट आउटसाइड साइड कहां पर वेट करेंगे आप आउटसाइड जगह का नाम दिया है सडनली देर वॉज ए लाउड नॉइस वहां तो यहां पर देर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस अवर टेन लिव अप स्टेयर कहा रहते हैं हमारे किराएदार अप स्टेयर तो यहाँ पर अप स्टेयर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम दिस एडवर्ब एक्सप्रेस द टाइम विच वेन एन एक्शन टेक्स प्लेस और इज परफॉर्म ये एडवर्ब भी बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ था दे आंसर द क्वेश्चन वेन। ये इस क्वेश्चन का आंसर देते वेन मतलब कब हुआ था द मैच वॉज प्लेव यस्टरडे मैच कब खेला गया था आंसर क्या है हमारा यस्टरडे आई विल फिनिश माई होमवर्क सुन मैं मेरा होमवर्क कब फिनिश कर लूँगा सुन जल्दी ही द मूवी एंडेड लेट मूवी कब समाप्त हुई लेट तो हमारा आंसर कब किससे निकल रहा है वेन से एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब कोई भी घटना कितनी बार हुई है आई टेक मिल्क ट्वाइस एड डे मैं दिन में दो बार दूध लेता हूं कितनी बार दो बार आई टेक ए बाथ एवरी डे में रोजाना नहाता हूँ वी शुड ऑलवेज सेल्यूट द नेशनल फ्लैग हमें नेशनल फ्लैग को कब सेल्यूट करना चाहिए कितनी बार करना चाहिए हमेशा तो हाउ ओफन कितनी बार ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी एडवर्ब ऑफ डिग्री डीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ मच ये हाउ मच का आंसर देते हैं कितना और टू वॉट एक्सटेंड या कितने विस्तार तक द स्ट्रोम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग यहाँ पर क्या है कंप्लीटली डिनर इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द न्यू बिल्डिंग हैज बिन वेरी मच तो यहाँ वेरी ये बताते हैं हाउ मच मतलब कितना तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं हाउ वाज योर जर्नरी यहाँ पे हमारा क्या है शुरुआत में हाउ वाई वेन ये क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स हैं तो ये सब इंट्रोगेटिव वर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है आपकी यात्रा कैसी रही वाई आर यू सेड आप दुखी क्यों हैं वेन डिड द मैच एंड मैच समाप्त कब हुआ तो ये सब शुरुआत में आ रहे हैं यहाँ पर ये वर्ड ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है इन सर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पर जो एडवर्ब है उसके ऊपर टिक करना है एंड राइट देर काइंड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड और वो किस तरह के काइंड है वो बताना है फर्स्ट में है डाउन यहाँ दे दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस नीचे तो यहाँ जगह का नाम बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस शी सेल्डम सेल्डम मतलब कभी कभी तो यहाँ सेल्डम क्या बता रहा है कितनी बार हाउ ऑफन तो यहाँ पर आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी शी राइट्स नीटली कैसे लिखती है नीटली कैसे का आंसर हाउ हाउस आंसर आ रहा है इसलिए यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर द मोर वार नियरली पैक्ट पर है एडवर्ब ऑफ प्लेस शी लेफ्ट द रूम क्वाइटली चुपचाप उसने रूम छोड़ दिया कैसे छोड़ दिया क्वाइटली कैसे हाउ से आंसर निकल रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर डिड यू गो टू कॉलेज यस्टर्डे तुम कल स्कूल गए कॉलेज गए थे यहाँ पर समय पूछा गया है तो ये क्या है एडवरव ऑफ टाइम ही वेंट आउटसाइड आउटसाइड से हमें प्लेस का पता चल रहा है यहाँ पर प्लेस माई फादर इज ऑलवेज ऑलवेज क्या है यहाँ पर हमेशा तो ऑलवेज से हमें क्या पता चल रहा है हाउ ऑफन मतलब हाँ ऑलवेज कितनी बार कैसे पंचुल रहे हैं हमेशा ही पंचुल रहे हैं तो एडवरव ऑफ फ्रिक्वेंसी नीचे ही Rewrite द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन ए टेलिक्स में जो वर्ड है उनकी जगह हमें एक वर्ड यूज़ करना है जैसे कि वी टॉक इन ए प्लेजिंग मैनर प्लेजिंग मैनर को हम क्या लिखेंगे प्लेजिंगली ओल ऑफ सडन सडनली दे मेट बाई एक्सीडेंट दे मेट एक्सीडेंटली बाई एक्सीडेंट को हम हटा देंगे द यंग मैन fought लाइक हीरोज हीरो द पुलिस बीट द रॉडिज विदाउट मर्सी बिना दया के ध हम तो क्या लिखेंगे इसके लिए मर्सी लेसली फील इन द ब्रैक्स विद सुटेबल एड्रॉब्स यहाँ पर आपको एड्रॉप यूज करने हैं आपको अपनी इच्छा से करने हैं द इंडियन आर्मी फॉर ब्रेवली एंड इट वॉन ही लुक डेट द सीफ़ एंग्रीली मेनी पैसेंजर्स वर बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट द लिटिल बॉय रीड हिज लेसन कम्प्लीटली हरीश डिड नॉट स्पीक एनीथिंग बट ही सेट कालमली दे क्रिटिसाइज हिम बैडली द मदर वॉज री नर्वस on seeing her injured son थ्रोट आउट द नाइट द वाइंड ब्लू फास्टली एंड मेनी ट्रीज वर अप्रूटेड यहाँ पर हमें वर्ब बतानी जो वर्ब यहाँ यूज हुई है किस तरीके से देखा किस तरीके से लड़ाई की या इंजर्ड कैसे हुए बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए लेसन उसने क्या करा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो जो वर्ब है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीट करेंगे थैंक यू